तो रेंज बहुत पूछते हैं कॉस एक्स की, तो ग्रेटर देन माइनस वन, इक्वल टू और ग्रेटर देन माइनस वन, और लेस देन और इक्वल टू वन। अच्छा ये होती है, एक बात रखो, जब ये इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन के निशानात हो तो ब्रैकेट कैसे लिखता है? क्लोज ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट कभी भी नहीं होगा। तो बाज़ों का तो ये भी पूछ लेते हैं कि ऑप्शन बजाय इस फॉर्म के ना ये दोनों फॉर्म देनी होंगे, तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे हम? क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इस बात का ख्याल रखना। फिर एक और सवाल ये बहुत आ रहा है, साइन थीटा प्लस साइन माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस माइनस थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो, साइन थीटा तो हो गया, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह टेन थीटा हो गया, टेन माइनस थीटा भी बच्चों माइनस टेन थीटा होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कॉस माइनस थीटा जो है ना, ये प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये प्लस कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा मिल के आंसर क्या हो जाएगा? टू कॉस थीटा। ये बड़ी अहम बात है, छोटी सी एमसीक्यूज भी आती है इस पर, कि माइनस साइन थीटा बराबर किसके होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के, और टेन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के। लेकिन कॉस माइनस थीटा देखो बराबर किसके होता है? कॉस थीटा के। तो ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा टू कॉस थीटा हो गया, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो गई? कैंसिल हो गई।